पहली बात आप समझें कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हो चुका है वो गया. यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट. लेट अस सेलिब्रेट, लेट अस एंजॉय. आप चाहे जिस भी परिवार में हैं, चाहे जितनी भी चुनौती है, आप इस बात को जरा समझें कि जो हो गया वो हो गया, मेरी जिंदगी मैं आज से शुरू करती हूं. जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक काम बनने वाला नहीं है. आप अपने मन को जैसे सिग्नल देंगे वैसे वैसे ही आंसर आने शुरू हो जाएंगे. हम किस चीज को किस्मत कहते हैं पता है? जो समस्या हमारी जिंदगी में होती है और उसकी समाधान नहीं होती है उसी को हम किस्मत कह देते हैं. मान लीजिए मेरे कुछ अरमान हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं. क्योंकि वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस चीज के अरमान पूरे नहीं हो रहे हैं उसी को मैं किस्मत कह देता हूं. हमारे मन में किस्मत की कोई यूनिवर्सल परिभाषा नहीं है. जो हमारी समस्या होती है वही हमारी किस्मत बन जाती है. हम इस बात को स्वीकार करें कि या तो हमें मैरिड लाइफ में एंट्री नहीं करना था, और अगर हम एंट्री कर गए हैं तो हम इसको स्वीकार करें कि सारी चीजें मेरे मन के मुताबिक होना संभव नहीं है. ये स्वीकार भाव लाना ही अपने आप में एक नई किस्मत बनाना है. आप जब भी परेशान भीतर में होंगे तो याद रखिएगा जो स्थिति चल रही है उसको हमने स्वीकारा नहीं है. कुछ चीजें आप बदल सकते हैं और कुछ चीजें बदल नहीं सकते हैं. तो जो बदल सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जाए, जो बदल नहीं सकते उसको स्वीकारा जाए. या 24 घंटे लड़ाई करते रहो, स्ट्रेस में आती रहो, या एकदम मारपीट करो. आप जितनी लड़ाई भीतर में करेंगी उतना आपका एड्रेनल, अंदर में एड्रेनल एक्टिव होगा, उतना हाइपरटेंशन होगा. आप अपने मन में कल्पना करें, आपके सामने नजर आ जाएगा कहां कहां वो एरिया है जहां मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं. और मन में एक पिक्चर लाएं कि मैं उन सभी व्यक्तियों को स्वीकार करती हूं जिनको मैं बदलने में समर्थ नहीं हूं. आप अगर दुनिया को बदलने के चक्कर में निकल गए तो स्ट्रेस में आ जाएंगे. इस दुनिया में हम केवल एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, डैश. पता नहीं मेरी जिंदगी ठीक होगी या नहीं होगी. जब प्रश्न गलत है तो उत्तर गलत होगा. पता नहीं मैं सुखी होऊंगी या नहीं. जब इतनी कंफ्यूजन है तो उत्तर भी कंफ्यूजन वाले आएंगे. अगर आप क्लियर है, पता नहीं की कोई गुंजाइश नहीं है. मुझे एक जिंदगी मिली है, मेरी एवरेज लाइफ 70 साल प्लस या माइनस हो सकती है. इसमें मुझे पता है कुछ चीजों को मैं बदल सकती हूँ, कुछ चीजों को मैं बदल नहीं सकती हूँ. जिसको मैं बदल सकती हूँ उसको मैं बदलू, जिसको मैं नहीं बदल सकती उसको मैं स्वीकार करूं. ये बैलेंसिंग जिस दिन मैंने करना सीख लिया उस वक्त जिस चीज का जन्म होगा वो एक नई किस्मत होगी. एक कैदी बरसों बाद अपने घर लौट रहा है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है. उसके साथ एक और पैसेंजर है जो कवि है. कवि अगले दिन स्टेशन आने वाला है तो कैदी कहता है इस कवि से, भैया जरा देखना मेरा स्टेशन आया कि नहीं. बोले जब आने ही वाला है स्टेशन तो देखने की जरूरत? बोले नहीं नहीं, मैं 25 साल से जेल में बंद हूँ. मैंने एक मर्डर किया था और गाँव वालों को मैंने चिट्ठी लिखी है, अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई है 25 साल से, कि अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो स्टेशन पर जो है सफ़ेद झंडी लगा देना. मैं समझूंगा मेरे गाँव ने मुझे माफ़ कर दिया है, और नहीं माफ किया है तो लाल झंडी लगा देना. मैं आगे निकल जाऊंगा गांव में नहीं, क्योंकि मुझे बेइज्जती बर्दाश्त. मैं देखना चाह रहा हूं कि स्टेशन पे झंडी का रंग सफेद है. 5 मिनट के बाद वो पलटता है, उसकी आंखों में आंसू हैं, और ये कैदी कहता है कि अब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया झंडी जो है वो लाल है. बोले बेवकूफ, स्टेशन क्या पूरा गांव सफेद झंडी से भर गया है? स्टेशन क्या पूरे गांव ने तुझे माफ कर दिया है? मोरल ऑफ द स्टोरी है, जब आप खुद को बदलने का स्टेप दिखाते हैं तो ईश्वर सफेद चीज से सब कुछ भर देता है. लोग मुझसे कहते हैं मुझे इसको बदलना है, मुझे उसको बदलना है. इस चक्कर में मत जाइए, अगर लोग बदल जाते तो कितनी अच्छी बात हो जाती. नहीं बदलते हैं लोग, बदलने की बात करते हैं. मेरा ये रोज का काम है. हस्बैंड वाइफ को बदलना चाहती है, वाइफ हस्बैंड को, अल्टीमेटली दोनों बच्चों को बदलना चाहते हैं. और बच्चा कहता है मम्मी पापा को पहले बदलना है सर, उसके बाद हम बदलते. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें देखना पड़ेगा, मेरा दृष्टिकोण कैसा है. 24 घंटे का ब्यौरा रखिए और जरा चेक कीजिए मेरे अंदर ज्यादातर विचार कैसे चलते हैं. अगर आपका परसेंटेज ऑफ विचार नकारात्मक है तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सी नकारात्मकता भरी हुई है. तो आप जरा 2 दिन का आंकड़ा रखिए कि मेरे परसेंटेज ऑफ विचार कैसे हैं. आप पाएंगे हाँ नेगेटिव ज्यादा है. बस खाली 3rd दिन से यह प्रयास करना है कि मैं नेगेटिव विचारों को एंटरटेन नहीं करूंगी. हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं ये डिसाइड करती हूँ मैं इस नेगेटिव बात को अपने अंदर डालने की इजाजत नहीं दूंगी. बस इतना ही करना है. और अंत में कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बारिशों के संग देखे हैं, और जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे.
ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे, कभी कभी तो जज्बात में आंसू भी बहाया करते थे, परंतु अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया। अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हंसी का बीज बो देते हैं, और खुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं।